चाहूंगा, साधुवाद देना चाहूंगा, उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि ये जो एनर्जी इस ग्रेटर नोएडा को बहुत आगे तक ले जाएगी। जैसा हम कल कह रहे थे दिल्ली या NCR, उसमें जो एक भौगोलिक सेंटर है वो तो दिल्ली है, वो रहेगा, परंतु जो सांस्कृतिक सेंटर कौन होगा, जो सेंटर कौन होगा NCR का, वो ग्रेटर नोएडा और बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। निश्चित तौर पर आज के इस कार्निवल परेड को, जो हमारे कार्निवल में जो प्रोग्राम चल रहे हैं उसमें ये उसकी एक हाईलाइट के तौर पर उभरा है, जिस प्रकार का उत्साह और सभी, जैसा जीओ साहब ने कहा, छोटे छोटे बच्चों को लेकर, मुझे सवेरे चिंता थी कि ये छोटे छोटे बच्चे इतनी सवेरे सवेरे ठंड के वातावरण में कैसे इतना लंबा सफर चलेंगे, परंतु मुझे हमारे जो ऑर्गेनाइजर है रजिंदर ने कहा कि साहब आप देखिए इनकी एनर्जी, ये जब 5 किलोमीटर चलने के बाद भी आएंगे ये उसी तरह फ्रेश लगेंगे। और अभी आपने देखा निश्चित तौर पर, और हमने बुजुर्ग देखे, बड़े बड़े लोग देखे, उसी तरह से जो है हमारे, सही बात है, 70 साल के राजेश शर्मा जी, उनकी एनर्जी खैर स्पोर्ट्स जो है देखने वाली है, परंतु आज के प्रोग्राम को करने में जिस प्रकार से नागरिकों ने जो एक सहयोग दिया, जिस तरह से करा, वो निश्चित तौर पर के पात्र हम साहब जो कि जिले के मुखिया होते हैं, आज यहाँ पर आकर उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में यहाँ पर झंडी दिखाई, इस समारोह की गरिमा का भी आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि उसके कारण जो एक एनर्जी होती है, जिले का जो CEO होता है, जो हम तो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के एक पार्ट के CEO हैं, पर जिले का जो CEO है ये ब्रजेश नारायण सिंह, उन्होंने यहाँ पर इसको एक बहुत ही एक बल दिया उनके बारे में। ग्रेटर कार्निवल का जो एक उद्देश्य है कि ग्रेटर नोएडा को स्मार्ट एंड हैप्पी के तौर पर विकसित करना। हैप्पी मतलब यहाँ का हर नागरिक खुश हो, यदि उसकी कुछ कठिनाइयाँ हैं, परेशानियाँ भी हैं, उनको भूलकर वो ये भी खुशी है और कठिनाइयों में ही वो खुशियाँ भी खुद सके, ये उसकी तरफ से जो कल RW ने कितना अच्छा प्रोग्राम, मैं यदि उस टाइम रह नहीं पाया परंतु मैं लाइव टेलीकास्ट के देख रहा था, उसकी वीडियोस देख रहा था, इतनी एनर्जी छोटे बच्चों से लेकर RW का, हर RW के जो व्हाट्सएप हैं उसको हमारी बच्चों ने उसमें भाग लिया। शाम को जो यूथ एनर्जी है उनके द्वारा जो एक कल्चरल प्रोग्राम करके, क्योंकि ग्रेटर नोएडा भी अपने 28वें वर्ष में एक यूथ अपनी जवानी में प्रवेश कर रहा है, तो यहाँ की जो यूथ फोर्स है स्कूलों कॉलेजों के माध्यम से, जिसका आज भी हमने नज़ारा देखा, शाम के प्रोग्राम में हमें देखा, कल सवेरे बच्चों का प्रोग्राम देखा, तो यूथ फोर्स अब जब एक समय होता है इसके ग्रोथ करने का, जो इसमें विकसित होने का वो समय है, तो वो भी एक प्रोग्राम आनंद लेने के लायक है। इसके अलावा जो ग्रेटर नोएडा को स्मार्ट बनाना है उसके लिए एक हैकाथॉन सारी यूनिवर्सिटियां कॉलेज मिलकर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें ग्रेटर नोएडा की समस्याओं पर विचार करके ये युवा एनर्जी उसके सोल्यूशन बताएगी, क्योंकि जो युवा एनर्जी है, जो स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं, उनके लिए स्काई इज द लिमिट, उनको कोई भी बंदिश नहीं होती है, वो कुछ भी सोच सकते हैं, सपने देखते हैं, सपनों को देखने की जरूरत करते हैं और उनको पूरा करने का उनमें हिम्मत रहती है। तो वो आज जो है शारदा यूनिवर्सिटी, बैनेट यूनिवर्सिटी, शिवनाथर यूनिवर्सिटी, हमारी खुद गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के और बाहर से आए हुए बच्चे हैकाथॉन में शारदा यूनिवर्सिटी के कैंपस में वो इन समस्याओं पर विचार कर रहे हैं, किस प्रकार से स्मार्ट सिटी बनाया जाए, वो भी एक प्रोग्राम देखने वाला है। शाम को उन बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और कल जहाँ इसी हेल्थ की कड़ी में है, सवेरे रन फॉर फन 8 बजे, उसमें फिर रिक्वेस्ट है, आई थिंक यहीं पे आना है, यहीं पे रन फॉर फन, वो ये एंजॉयमेंट का साधन था, खुशी का माध्यम था, वो खुशी के लिए जो एक जरूरी शर्त है हेल्दी रहना, स्वस्थ रहना, उसके लिए रन फॉर फन है, उसके लिए सवेरे 8 बजे इसी तरह जोश क्रोश के साथ आए। और कल दिन में जो हमारा आखिरी प्रोग्राम है वो गोष्ठी है कि ग्रेटर नोएडा को कैसे हम जो उसका जो सपना आप सबने देखा है, ग्रेटर नोएडा निवासियों ने, चाहे वो किसान जिन्होंने खुशी खुशी अपनी जमीन को त्याग कर दिया ताकि ग्रेटर नोएडा जैसे शहर एक साकार हो सके, जो ग्रेटर नोएडा में लोग एक सपना लेकर अपना घर जो है यहाँ पर बना रहे हैं या बना चुके हैं, उनका जो सपना है, और यहाँ पर जुड़े हुए सभी प्रकार के लोग, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स आकर यहाँ पर पढ़ते हैं, अपना कैरियर बनाते हैं, अधिकारी लोग आकर जुड़ते हैं यहाँ पर, सब तरह तरह से लोग आकर यहाँ पर, और इस ग्रेटर नोएडा को सबने अपना आशियाना बनाया है, तो उसको फ्यूचर के सिटी के तौर पर कैसे डेवलप करना है उस पर यहाँ गोष्ठी होगी, चर्चा होगी, दिन में 10 बजे से 1:30 बजे तक चर्चा होगी,
उसमें भी कृपया भाग लें और अपने सुझाव दें और उसके बाद समापन समारोह। तो आज जो ग्रेटर नोएडा निवासियों की जो एनर्जी है, जो उनके सपने हैं, उनको पूरा करने में जो एक पॉजिटिव एनर्जी की जरूरत होती है, उसको आगे बढ़ाने आप सबने, सभी के लिए मैं अपने ऑर्गेनाइजर्स, हमारे जो मेन ऑर्गेनाइजर गुप्ता जी, इनकी एनर्जी आपने देखी होगी कल से लेकर आज तक, हर समय 24 घंटे यहाँ रहना, उसके बाद पूरी टीम, मैं सबके नाम लेने में बहुत देर लगेगा, ओएसडी सचिन, मेरे स्टाफ सर नवानी जी, जीएम फाइनेंस, डीजीएम फाइनेंस, हमारी महिलाएं अर्चना और बहुत लोग, मैं सबके नाम जो है, कौशिक जी, जीएम समाकांत जी, जीएम फाइनेंस, और इस प्रोग्राम को आयोजित करने वाले हमारे दोनों अधिकारीगण जो मेन, मतलब सारे हैं परंतु जो मेन आयोजित हैं हर प्रोग्राम का, हमारे एक अधिकारी हैं, कल विकास ने बड़ा अच्छा प्रोग्राम करा, कपिल करेंगे, सबके बहुत नाम है, नाम बिल्कुल छूट रहे होंगे, हाँ, उनकी तरफ से हम जो है अभी रागनी होने वाली है सर, हाँ रागनी, अभी रागनी, इसके बाद असली जो प्रोग्राम है, यहाँ पर दो बहुत अच्छे प्रोग्राम आज इसके तुरंत बाद होंगे,